हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते आदर जैन। आदर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हेलो चार्ली का ट्रेलर काफी मजेदार है। और एक अरसे के बाद यू नो इस तरह की फिल्म आ रही है, बच्चों को सेंट्रिक भी है, थोड़ी सी फन है, बॉलीवुडी बॉलीवुडिया टाइप की फिल्म है, तो कैसा रहा रिएक्शन? सुपर यार। अब तक जैसे कि आपने ही बोला अभी सबसे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग हमारी फिल्म से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं और उनको ये जो कॉन्सेप्ट है और जो न्यूनेस यूनिकनेस है इस फिल्म का, उनको ये अच्छा लग रहा है और ये पसंद आ रहा है। यू नो दे कैन कनेक्ट टू द फिल्म, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। टीजर्स देव लव द ट्रेलर देव लव, इतना सारा प्यार आ रहा है, तो इट फील्स वेरी गुड एंड ओवरवेलमिंग। लेकिन एक चीज है कि आमतौर पे हमारे यहाँ जब भी कॉस्ट्यूम बेस्ड गोरिला दिखाया जाता है तो वो काफी इलॉजिकल एंड अनकन्विंसिंग लगता है, लेकिन यहाँ पर यू गाइस हैव यू नो एडेड द लॉजिक, आल्सो द वॉइस ऑफ जैकी टू बैक इट अप। तो क्या ये सब टफ था, या ये थॉट्स या जहन में आपके आए थे कि भाई जब साइन करते वक्त? नहीं नो एक्चुअली तो जब मैंने ये कहानी सुनी पहली बार तो मैं हंस हंस के पागल हो गया था, क्योंकि जो कहानी है बहुत ही फनी है और सिचुएशनल कॉमेडी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ फिजिकैलिटी कर रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए। ये जो सिचुएशंस पैदा होती है फिल्म में वो ऑनेस्टली बहुत ही फनी है, और वो सिचुएशन इसलिए पैदा होती है क्योंकि चार्ली का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही फनी है। वो एक भोला भाला सा सिंपल ढेन है जो बहुत ही गुफी है, बहुत ही क्लमजी है, उसे मुंबई के बड़े शहर जैसे तौर तरीके मालूम नहीं है, तो इसलिए वो गूफ अप्स करते रहता है, और वो गूफ अप्स काफी फनी है फिल्म में अगर आप देखोगे तो। और कहानी यही है कि एक मुंबई का एक लड़का है जो दीव जा रहा है गोरिल्ला लेके, और वो उसको मालूम नहीं है कि वो गोरिल्ला के अंदर जैकी श्रॉफ है, जो एमडी मकवाना हम दिखा रहे हैं, एक भगोड़ा जो भाग रहा है देश से। तो ऑब्वियसली जो सिचुएशंस लाइक आई सेड पैदा होती है बहुत ही फनी है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि लोगों को ये शायद मालूम नहीं है कि दो गुरला है हमारी फिल्म में, एक नकली है जो एक्चुअली जैकी सर है, और एक असली है जो एलए से आया है, यू नो। और हमने एक्चुअली शूटिंग किया था उसके साथ, तो दैट वॉज अ वेरी ऑनेस्टली इनिशियली मुझे काफी डर था क्योंकि वो रियल गुरला है, लेकिन उसके कई सारे हैंडलर्स थे जो उसको ट्रेन करते हैं, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट और मजेदार एक्सपीरियंस भी था, दोनों था मेरे लिए। कॉमेडी जो है वो बहुत ही टफ जॉनर है, स्लैपस्टिक उससे भी टफ होता है, अगर एक स्टेप गलत हो जाता है तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ, कॉमेडी ऐसी चीज है जो काफी मुश्किल है, मैंने ये सुना है और मैं मानता भी हूँ, यू नो। लेकिन मैं कॉमेडीज बचपन से देख रहा हूँ, यू नो आई लव वॉचिंग कॉमेडीज। कॉमेडीज एक ऐसी चीज है जो आपको खुश कर दे सकती है, आपको आपका जो मूड है आपको अपलिफ्ट कर सकता है। और जब मुझे एक्टर बनना था, मैंने यही इसलिए फैसला किया था क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना था, मुझे यू नो लोगों को एंटरटेन करना था, और मुझे ऐसा मौका मिला इस फिल्म में यही करने को, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसके साथ। ऑब्वियसली जब आप कैमरा कैमरा के सामने आप होते हो और आपको डायलॉग्स बोलने और आपको लोगों को हंसाना है, तो वो काफी मुश्किल है। लेकिन हमने काफी सारे वर्कशॉप्स किए थे डायरेक्टर के साथ, यू नो रीडिंग्स करते थे और दूसरे एक्टर्स के साथ, तो दैट वॉज रियली हेल्पफुल, यू नो इन ओपनिंग अस अप एज एक्टर्स, यू लर्न मेनी थिंग्स। हमारे जो निर्देशक है पंकज सालस्कर, वो कॉमेडी फील्ड में बहुत ही मशहूर है और पिछले 25 साल से इसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, तो बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो उनसे और जितने भी एक्टर्स भी है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कलाकार है इस फिल्म में, यू नो जैकी सर, राजपाल सर, तो ही गोज हैंड इन हैंड विद कॉमेडी, तो उन सबसे इतना कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, टाइमिंग। और कॉमेडी एक ऐसी चीज है दैट यू हैव टू बी इन द मोमेंट, यू हैव टू ऑलवेज एक्टिंग एंड रिएक्टिंग, तो इफ यू प्रेजेंट, और अगर आप ज्यादा सोचोगे तो नहीं होगा। अगर आप बिना सोचे मजे लेके काम करोगे ना, तो यू विल स्टार्ट टू एंजॉय इट। तो दैट्स ऑल आई डिड एंड आई फॉलोड माय डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, और मुझे मौका मिला तो डू अ कॉमेडी व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू। बट यू गाइज शॉट इन कोविड टाइम्स, यू नो हाउ टफ वॉज इट? बिकॉज जब आपने ये इसकी शूटिंग की थी तब जस्ट पीक पे था, सब कुछ नया नया था, लोग जस्ट शूटिंग शुरू हुई थी, तो काफी टफ हुआ रहेगा आपके लिए? हाँ नहीं, अच्छी शूटिंग शुरू हुई थी 2019 में, और कोविड के पहले हमारी शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, खाली दो गाने थे, और ऑब्वियसली वो काफी डिफिकल्ट था क्योंकि हमारी जो फिल्म है पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग शुरू हुई थी पैंडेमिक में, सारी मतलब पूरी इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट था क्योंकि आई थिंक इट वाज इन द पीक ऑफ द टाइम आल्सो। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं रितेश सर और फरहान सर, उन्होंने काफी सारे अच्छे अच्छे प्रिकॉशंस लिए थे, जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, नॉर्म्स है, सब सबके सब फॉलो किए, और इट मेड अस वेरी सेफ ऑन सेट क्योंकि एक्टर्स जिसके आपको मालूम है वे द ओनली वंस विदाउट मास्क,
बाकी सब सब पीपी किट्स में है, यू नो सैनिटाइजेशन टनल्स है उन सब के लिए, यू नो, सो वी हैड टू बी द सेफेस्ट, बट ही दे इंश्योर दैट एंड दे मेड आवर एनवायरनमेंट वेरी वेरी सेफ. जो माहौल है सेट का वो बहुत ही सेफ था, और आई थिंक वो फर्स्ट शॉट देने के बाद एकदम नॉर्मल सा फीलिंग थी वो, एंड आई फेल वेरी नॉर्मल, और मुझे खुश लग रहा था कि मैं वापस सेट पे जा रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन मतलब घर पे रह के थोड़ा कंटाल भी आता है, बोर्ड हो जाते हो आप, यू नो, इतना कुछ नहीं है करने को, यू नो. ऑफकोर्स उसके भी अच्छे अच्छे ऐसा ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ आप ज्यादा वक्त बिता सकते हो, लेकिन एट द एंड यू वांट टू डू व्हाट यू लव, यू नो, एंड गो बैक इनटू द सेट्स. तो या तो हमने ऑब्वियसली वो दो गाने शूट किए थे और फिर हमारी फिल्म बन गई थी. यू रिसेंटली ऑल्सो शेयर्ड दैट तारा सॉ हेलो चार्ली, तो कैसा रहा उनका रिएक्शन? बहुत ही बढ़िया, उनको फिल्म बहुत पसंद आई. ओके, बट अगेन लास्ट ईयर की बात करेंगे तो पर्सनली यू नो योर फैमिली वेंट थ्रू टफ टाइम्स आल्सो विद डिमाइस ऑफ ऋषि जी एंड राजीव सर, तो मतलब इट मस्ट बी एक साइड पे फिल्म है, एक साइड पे हेल्थ है, एक साइड पे ये, मस्ट बी वेरी टफ फॉर यू. जी बिल्कुल, जब कोई गुजरता है तो ऑब्वियसली इट्स हार्ड फॉर एवरीवन, यू नो, फॉर मी, माय मॉम स्पेशली, बिकॉज़ शी लॉस्ट टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर इन द स्पेस ऑफ अ ईयर, बट लकली वी हैव अ स्ट्रांग फैमिली, हम सब साथ में उस वक्त, और लाइक दे से ना कि टाइम हील्स ऑल वुंड्स, तो वी आर गेटिंग बेटर स्लोली. जो कैदी बैंड के दौरान आपने कहा था कि यू आर हाईली ऑब्सेस्ड विद रणबीर कपूर, तो क्या आज भी वो ऑब्सेशन बरकरार है? मैंने कभी बोला नहीं है, आई थिंक किसी ने लिख दिया था, लेकिन जब मैं बचपन में था, जब बचपन में जो भी रणबीर भैया बोलते थे ना, मैं उसको कॉपी करता था. He used to teach me a lot of different words, different things, you know, क्योंकि मैं और अरमान उनके छोटे भाई हैं, तो you know, we used to look up to him as our inspiration, you know, you have an elder brother in every family. From my mom's side, it was Ranbir Bhaiya, because he's the closest in terms of age. From my father's side, we have a lot of other cousins. So, when he used to teach us a lot of things, he used to always copy him, and he used to make us say different things. That's great. इसके बाद क्या हो रहा है? Please बताइए हमें. इसके बाद मतलब? मतलब after this movie. अच्छा, after this movie. हाँ. एक्चुअली मैं इसके बारे में इतना बात नहीं कर सकता अभी, लेकिन काफी सारी चीजें हैं आ रहे हैं अभी, यू नो, आई एम क्लोजिंग इन ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स, बट क्योंकि लाइक यू नो मेकर्स अनाउंस करते हैं करेक्ट चीजों को, तो आई हैव टू वेट अंटिल दे अनाउंस इट, देन वी आई कैन प्रॉपर्ली टॉक अबाउट इट. कोई बात नहीं, विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. हेलो चार्ली के लिए तो बहुत सारे मतलब विशेस, एंड होपिंग टू कैच यू अप सून. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. मेरी फिल्म को देखिए और आई रियली होप यू लाइक इट. 100%. Take care. Thank you.